दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो कि आपके काम को आसान बना देंगे। आप सब जानते हैं कि जब आप ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो काम को आप जितना हो सके उतना प्रोफेशनल करना चाहते हैं और उतना ही ज्यादा जल्दी या फिर इजी तरीके से करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे शॉर्टकट्स देखेंगे जो कि ऑफिशियल यूज किए जाते हैं और साथ ही वो आपके काम को आसान बना देंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की, जो कि है मल्टीपल डेस्कटॉप। देखो, मान लो अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो और ऑफिस में आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई तो आप अपने कोलीग के पास जाते हो और कहते हो कि यार क्या मैं तेरा कंप्यूटर यूज कर लूं, मुझे उस पर थोड़ा सा काम है। तो होता क्या है कि वो ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे काफी सारी एक्टिविटी कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा कंप्यूटर है और इस पे मैं यहाँ पे गूगल भी चला रहा हूँ, मैं फिल्मोरा भी यूज कर रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए और भी चीजें। तो आप चाहते हो कि आप जो भी काम करो उसका कोई भी इंटरेक्शन उसके काम के साथ ना हो, उस केस में आप एक नया डेस्कटॉप ले सकते हो ऑन द स्पॉट उसी स्क्रीन पे। कैसे? इसके लिए सिंपल आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो कि है कंट्रोल। एक उंगली से कंट्रोल को दबाएंगे, एक उंगली से विंडो की को दबा के रखना है और तीसरी उंगली से हमें दबाना है डी को। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे देखोगे आप एक फ्रेश डेस्कटॉप आ गया है, नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे ना ही कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ना गूगल खुला है, ना फिल्मोरा, ना ऑडेसिटी, कुछ नहीं खुला हुआ। वो अलग डेस्कटॉप है, ये अलग डेस्कटॉप है और इस पे मैं जो भी काम करूंगा इसका इंटरेक्शन उस पे नहीं पड़ेगा, उस पे जो भी काम होगा उसका इंटरेक्शन इस पे नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको स्विच करना है तो आप यहाँ पे विंडो टैब को प्रेस करो, विंडो की को होल्ड करना है और टैब प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों डेस्कटॉप आ गए, डेस्कटॉप 1 ये रहा जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और ये है डेस्कटॉप 2 जो अभी हमने खोला था। तो हमें डेस्कटॉप 2 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से और सिंपल आ जाते हैं अपने वाले डेस्कटॉप पे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है कंप्यूटर असिस्टेंट। देखो, आप सबके फोन में नॉर्मल एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं गूगल असिस्टेंट। तो आपको कुछ भी चाहिए तो आप सीधा उससे बोलते हो, आपको आंसर मिल जाता है, राइट? उसी तरीके से अगर मुझे कंप्यूटर से कोई सवाल पूछने हैं तो यहाँ पे जो असिस्टेंट है उसका नाम होता है कोर्टाना। इसके लिए सिंपल आपको विंडो की को होल्ड करना है और सी प्रेस करना है, यहाँ पे कोर्टाना खुल जाएगा और कोर्टाना पूछेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इस पे क्लिक करता हूँ और कुछ भी बोल के देखता हूँ। चार्ल्स बेबेज। अब देखो, नॉर्मल जैसे मैंने बोला चार्ल्स बेबेज की पूरी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आ गई कौन थे, और नॉर्मली अगर आपने हेडफोन वगैरह लगाया होगा तो सारा कुछ आपको नैरेट करके बताएगा बोल बोल के। एक बार और ट्राई करते हैं, नरेंद्र मोदी, और आप देखेंगे नरेंद्र मोदी से रिलेटेड प्रॉपर डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप विंडो सी करके कोर्टाना ऑप्शन का यूज एज अ कंप्यूटर असिस्टेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन 99% लोग को नहीं पता होता। देखो, नॉर्मली अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर 1 पे जो टास्क बार है, टास्क बार पे हम काफी सारे एप्लीकेशन रखते हैं, स्पेशली उन्हें जिनका हम रेगुलर यूज करते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने रखा हुआ है फाइल एक्सप्लोरर, दूसरे नंबर पे नोटपैड है, तीसरे पे मैंने यहाँ पे रखा है एमएस वर्ड और चौथे पे यहाँ पे फिल्मोरा, राइट? तो मुझे अगर नोटपैड को खोलना है तो उसका शॉर्टकट है विंडो की को होल्ड करो और जो डिजिट में 2 होता है उसको प्रेस करो, यानी विंडो और 2। नॉर्मली आप देखोगे यहाँ क्या खुल गया, नोटपैड प्लस प्लस। कहने का मतलब अगर आपको टास्क बार के किसी भी ऑप्शन को खोलना है, मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशन रहते हैं उनमें किसी भी एप्लीकेशन को खोलना है तो उसका नंबर देख लो। जैसे नंबर 1 पे इसे खोलने के लिए विंडो 1 प्रेस करेंगे, इसे खोलना है तो विंडो 2, इसे खोलना है विंडो 3, इसे खोलना है विंडो 4, इसे खोलना है विंडो 5। तो टास्क बार के जितने भी ऑप्शन है उनकी सीरीज के बिहाफ पे आप विंडो की का यूज करके शॉर्टकट में उन्हें खोल सकते हो। सो आई होप कि आपको ये जो ट्रिक है वो पसंद आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि ऑफिस में ज्यादातर यूज होता है। अभी नॉर्मली अगर आप मेरे कंप्यूटर पे ध्यान दो तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अलावा गूगल में मैंने फाइल खोला हुआ है, अलग से फाइल खोला हुआ है, मल्टीपल टास्क है। इसी तरह से हम ऑफिस में भी करते हैं। तो अगर मुझे सबका एक ही बार में मेन्यू देखना है जितने भी मैं टास्क अभी चला रहा हूँ तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए सिंपल आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो कि है कंट्रोल ऑल्ट, दोनों को दबा के रखना है और टैब की को प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे जितने भी एप्लीकेशंस पे अभी आप वर्क कर रहे हो उन सबका मेन्यू आ जाएगा सिंपल। और आप देख लो जैसे स्कूल है जो यहाँ पे, या फिर वंडरशेयर, फिल्मोरा, ऑडेसिटी, कोर्टाना, गूगल, सारा कुछ है। जिस पे भी मुझे ऑन करना है या तो आप माउस से कर लो या फिर टैब की को आगे करो, टैब की प्रेस करोगे आगे होता जाएगा। जिस पे भी आप ले जाके एंटर प्रेस करोगे वो खुल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ एंटर किया गूगल खुल गया। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि उन सभी लोग के लिए है जिनका कंप्यूटर कुछ टाइम काम करने के बाद स्लो हो जाता है।
देखो बेसिकली क्या होता है, जब आप कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क कर रहे होते हो तो आपके कंप्यूटर पे काफी लोड पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी एप्लीकेशंस को बंद करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, उसकी मदद से जितने भी एप्लीकेशन अभी रनिंग में, मतलब बैकग्राउंड के तौर पर चल रहे हैं आपके सिस्टम में, उनका मेन्यू आ जाएगा। आपको जिसे रखना है रखो, जिसे बंद करना है बंद कर दो। एग्जाम्पल के लिए इसे खोलने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है और एस्केप की को प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे यहाँ पे क्या खुल जाएगा, टास्क मैनेजर, और आप यहाँ पे देखोगे जितने भी एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ सबका मेन्यू आ गया है। जैसे ओडेसिटी मैं यूज कर रहा हूँ, कोटाना यूज कर रहा हूँ, गूगल क्रोम, टास्क मैनेजर, और सबसे ज्यादा अभी जो मेरी पावर यूजर्स ले रहा है वो कौन ले रहा है, ओडेसिटी ले रहा है वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा बैकग्राउंड में जितने एप्लीकेशन चल रहे हैं उन सबका मेन्यू आ गया। तो जैसे मान लो मुझे कोटाना का काम नहीं है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ एंड टास्क कर दिया, तो अब ये जितनी भी पावर ले रहा होगा या जितना भी यूजर्स ग्रैब कर रहा होगा वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका रोल प्ले यहाँ पे खत्म हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सेटिंग्स। देखो नॉर्मली आपको पता है फोन में अगर आपको सेटिंग्स ऑन करना है तो सिंपल वहां पे एक आइकन होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में आपको कोई भी एक आइकन नहीं मिलता। इवन अगर आपको कंप्यूटर की जो, अगर मैं बात करूं सेटिंग्स का जो पार्ट होता है वहां पहुंचना है, तो आपको कंट्रोल पैनल का यूज करना होता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से विंडो की को होल्ड करना है और आई प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे आपके कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स क्राइटेरिया है वो सब आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि सिस्टम, डिवाइसेस, फोन, नेटवर्क एक्सेट्रा, जितनी चीजें हैं ऑल टू ऑल आपके सामने, और यहाँ से जिस मेन्यू में भी जाना चाहे आप जा सकते हैं, और जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करना है या ठीक करना है आप उसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्टकट की। अगर इस शॉर्टकट की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आई थिंक ये काफी ज्यादा यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बात करी, हम मल्टीपल टास्क करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये खोला हुआ है, एक ये हमारे पास फाइल है, इसके अलावा हमारे पास एक गूगल की फाइल खुली हुई है, इसके अलावा मान लीजिए कोई और फाइल है, ये भी एक फाइल है। तो यहाँ पे मैंने तीन चार टास्क खोले हुए हैं आपके सामने, ऑन स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये तीन चार टास्क हमने यहाँ पे खोला हुआ है। अभी मुझे इन सबको एक ही बार में मिनिमाइज करना है, जैसे अगर मुझे स्क्रीन से हटाना, मैं क्या करूंगा, पहले इसे फिर इसे, तीनों को अलग अलग मिनिमाइज करूंगा। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है और सबके सब एक ही बार में मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपल आपको एक उंगली से विंडो की को होल्ड करना है और दूसरे से एम प्रेस करना है। जैसे आप करोगे आप देखोगे जितनी भी स्क्रीन थी यहाँ पे, जितनी भी विंडोज खुली हुई थी वो सब के सब मिनिमाइज हो गई है, और इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों जितने भी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।